12वीं ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 3 व 4 सितंबर को JLN कैंपस में 300 से ज़्यादा शिक्षा से जुड़े प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। पिंक सिटी प्रेस क्लब में ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट व मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी राजस्थान के तत्वाधान में 3 व 4 सितंबर को JLN कैंपस में अखिल भारतीय शैक्षणिक अधिवेशन का आयोजन होने जा रहा है। JLN एजुकेशन ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर आजम बेग ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से शिक्षा से जुड़े 300 से ज़्यादा प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि शिवदासपुरा स्थित JLN एजुकेशन कैंपस में कुल 7 सत्रों में विभिन्न मुद्दों पर देश भर के बुद्धिजीवी व शिक्षाविद अपने विचार रखेंगे। 3 सितंबर को रात 9 बजे कैंपस में कवि सम्मेलन व मुशायरा भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के मशहूर शायर व कवि शिरकत करेंगे। राजस्थान के डिफरेंट एरिया में काम किया। आपको याद होगा अब से 10 साल पहले बिरला ऑडिटोरियम में कोलंबिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान भर की तमाम रियासतों के तकरीबन 29 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आए थे जो एजुकेशन पर बड़ा काम कर रहे हैं। और उसके बाद राजस्थान के डिफरेंट इलाकों में एजुकेशन पर हमने बहुत कुछ काम किया है। मैं भी आपको कुछ अगर समय मिला या आपके क्वेश्चन के आंसर में बताऊंगा। इस बीच में क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा मोटो और एस्पेक्ट है जिस पर काम करके समाज भी आगे बढ़ सकता है, देश भी आगे बढ़ सकता है, प्रदेश भी आगे बढ़ सकता है। इस वक्त आपको तकलीफ देने का एक दूसरा पर्पस हिंदुस्तान में 1948 में पॉलिसी बनी एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर, जो कौमी तालीमी पॉलिसी कहलाई। 1984 में दूसरी तालीमी पॉलिसी बनी, जो उस वक्त के रहबरों ने, उस वक्त के लीडरों ने तालीमी पॉलिसी बना करके देश को कैसे आगे ले जाया जाए, इंटर स्टेट और इंटर कंट्रीज कैसे कनेक्शन किया जाए, इस पर चर्चा हुई। हम लोग इस वक्त 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, कौमी तालीमी पॉलिसी के नाम से इसको जाना जाता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, उस पर आप आओ। डॉक्टर फरीदा भाई सेक्रेटरी राजस्थान मुस्लिम सोसाइटी, लेडीज भी हमारे बीच में देश में जाऊँगा। डॉक्टर फरीदा भाई सेक्रेटरी राजस्थान मुस्लिम सोसाइटी, लेडीज भी आपके सामने हैं। हमारे ऑनरेबल रूबी खान जी, जो मैंने भी आपको बताया था, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। समाज सुल्ताना जी, जो मुस्लिम बच्चों बोर्ड के ऑनरेबल मेम्बर हैं, और इमाम रब्बानी स्कूल की काउंसलर की हैसियत से या ऑर्गेनाइजर की हैसियत से यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं, शुएब साहब मौजूद हैं। तो मैं यह कह रहा था कि इस वक्त के जो माहौल में 1948-24 के बाद 2020 में एक और एजुकेशन पॉलिसी बनी, जिसको तकरीबन 5-7 सालों की मेहनत के बाद Women can definitely come forward in the field of education. Not only education, other field also opportunities are there, and the women are ready with their talent to show everything in the society that we are also equal to the men to come forward and make the society better. Thank you.